नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश सारस्वत है। मैं जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछली चर्चा में हमने स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करना सीखा था, जिसमें हमने बेसिक HTML के टैग्स का प्रयोग किया। उन टैग्स में हमने फॉर्मेटिंग टैग्स और लिस्ट टैग्स का प्रयोग करना सीखा। आज की चर्चा में हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करना और इमेजेस को वेब पेजेस में प्रदर्शित करना, साथ में टेबल को वेब पेजेस में डिज़ाइन करना सीखेंगे। वेब पेजेस में एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए हम हाइपरलिंक्स का प्रयोग करते हैं। हर डॉक्यूमेंट एक ही वेब पेज में दो अलग-अलग जगह हो सकता है या दो अलग-अलग वेब पेजेस में हो सकता है। हाइपरलिंक बनाने के बाद हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर यदि माउस को ले जाया जाए तो उसका स्वरूप एक हाथ की भांति हो जाता है, तथा उस लिंक पर क्लिक करने पर हम दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम ए टैग का प्रयोग करते हैं। ए टैग में हम दूसरे डॉक्यूमेंट का एड्रेस भी देते हैं, जिसके लिए हम HREF एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड के HTML कोड में दर्शाया गया है कि ए टैग के साथ हमने HREF एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। HREF एट्रीब्यूट की वैल्यू एक एड्रेस को दर्शाती है। जब जिस टेक्स्ट को हमें हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है, उस टेक्स्ट को हम ए टैग के स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में लिखते हैं। जैसे इस HTML कोड में विजिट अवर यूनिवर्सिटी को हाइपरलिंक बनाने के लिए इसको ए टैग और ए टैग के एंड टैग के बीच में लिखा गया है। जब भी हम इस HTML कोड को वेब ब्राउज़र में विजिट करेंगे तो विजिट अवर यूनिवर्सिटी एक हाइपरलिंक के रूप में प्रदर्शित होता है। इस पर यदि क्लिक करेंगे तो ये हमें www.uou.ac.in वेब पेज पर ले जाएगा। यदि हम जिस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं, यदि वह डॉक्यूमेंट HTML फाइल की लोकेशन पर ही सेव है, तो हमें उसका पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती और हम सिर्फ उसका नाम HREF एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसा स्लाइड में दर्शाया गया है। इसका फ़ायदा है कि यदि किसी पूरी वेबसाइट का लोकेशन चेंज होता है, तो हमें फाइल का लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इमेज टैग वेब पेज में इमेज को प्रदर्शित करने के लिए IMG टैग का प्रयोग किया जाता है। IMG टैग के साथ हमें इमेज का नाम भी देना पड़ता है, जिसको हम IMG टैग के SRC एट्रीब्यूट को असाइन करते हैं। यदि इमेज HTML फाइल की लोकेशन पर ही है, तो इमेज का पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हम स्लाइड में HTML कोड में दर्शाया गया है। IMG टैग के और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ALT एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू वेब पेज पर प्रदर्शित होती है जब वेब पेज उस इमेज को लोड नहीं कर पाता है। इसके अलावा हम इमेज का साइज भी फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है। टेबल टेक्स वेब पेज में टेबल्स को बनाने के लिए टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। टेबल्स के अंदर, जैसा हम जानते हैं, रोज़ और कॉलम्स भी होते हैं। टेबल टैग के अंदर रोज़ बनाने के लिए हम TR टैग का प्रयोग करते हैं। जितनी TR टैग हम बनाएंगे, उतनी ही रोज़ हमारी टेबल में क्रिएट होंगी। हर रो के अंदर कॉलम को बनाने के लिए हम TD टैग का प्रयोग करते हैं। टेबल के फर्स्ट रो को हम कॉलम हेडर की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम TD टैग की जगह TH टैग का प्रयोग करते हैं। TH टैग टेक्स्ट को बोल्ड और सेंटर कर देता है। इसके अलावा हम टेबल की विभिन्न एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेबल के बॉर्डर को यदि हमें सेट करना है, तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। यदि हम दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मर्ज करना चाहें, तो हम कॉलम स्पान का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम रोज़ को मर्ज करना चाहें, तो हम रो स्पान प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं।
टेबल का कैप्शन देने के लिए हम कैप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हमने एक HTML कोड को प्रदर्शित किया है जिसके द्वारा हम एक टेबल को बनाना सीखेंगे। इस स्लाइड में एक HTML कोड दर्शाया गया है जिसके द्वारा हमने एक टेबल को बनाया है। इस टेबल में 4 रोज बनाई गई हैं और 2 कॉलम्स बनाए गए हैं। पहली रो को हमने सारे कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले टेबल टैग का प्रयोग किया गया है जिसमें एक एट्रीब्यूट बॉर्डर यूज़ किया गया है। बॉर्डर का विड्थ हमने 5 पिक्सल्स दिया है, उस हिसाब से बॉर्डर हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमने कैप्शन का यूज़ किया गया है। कैप्शन टेबल के कैप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टेबल का कैप्शन स्टूडेंट रिपोर्ट है। उसके बाद हमने पहली रो को क्रिएट किया है, उसके लिए हमने TR टैग का यूज़ किया है। TR टैग के अंदर हमने 2 कॉलम्स को मर्ज किया है और उस कॉलम को हमने एज अ हेडर कॉलम की तरह भी बनाया है, इसलिए हमने TH टैग का यूज़ किया है। TH टैग के अंदर हमें कॉलम को मर्ज करना है, इसलिए हमने कॉलम स्पान एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है और उसकी वैल्यू को 2 किया है। 2 का मतलब यहाँ पर 2 कॉलम्स को मर्ज करना है। इसके बाद हमने उस टेबल की वैल्यू को, उस सेल की वैल्यू को हमने लिखा है जो कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर है। उसके बाद हमने उस हेडर को बंद कर दिया है। उसके बाद हमने दूसरी रो क्रिएट की है, उस रो में हमने 2 अलग अलग कॉलम क्रिएट किए हैं। हर कॉलम के लिए हमने TH टैग का यूज़ किया हुआ है। TH अगेन एक हेडर टैग है जो कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड और सेंट्रिक कर देता है। इसके बाद हमने थर्ड कॉलम बनाया है जिसमें 2 कॉलम हैं जो कि नॉर्मल कॉलम्स हैं, जिनके लिए हमने TD टैग का यूज़ किया गया है। पहले कॉलम में हमने रमेश को लिखा है, दूसरे कॉलम में CSE लिखा है। इसी तरह हमने तीसरे रो को क्रिएट किया है। इस तरह हम अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार की टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आज की चर्चा में हमने देखा कि हम वेब पेज में हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की टेबल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।